अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स देख लिए हैं जो कार्बोहाइड्रेट के दो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे? अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं उन लेक्चर्स के हवाले से तो हम पहले उनको एड्रेस कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कशन स्टार्ट करूंगी। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है उन लेक्चर्स में से? सब चीजें समझ में आ गई? क्लास ये इंटरेक्टिव सेशन इसलिए रखा है कि इसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। सिर्फ अगर मैं ही डिस्कशन करती रहूंगी तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले ये मुझे बताएं कि फ्रक्टोज का आपने 3D स्ट्रक्चर बना लिए? ओके। फ्रक्टोज के और ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर में एक डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है? आफिया आप बताइए। आफिया अकरम, आफिया आर यू इन द क्लास और नॉट? ऑलराइट, नौमान आप बताइए। जब मैं किसी से क्वेश्चन पूछूं तो आप प्लीज अपना माइक माइक जो है वो अनम्यूट करके मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए। इस तरह से सेशन लेने का कोई फायदा नहीं है। आई एम गोइंग टू एंड द सेशन इफ यू आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। Anyone who would like to respond? The glucose or fructose के cyclic structure में क्या difference है? क्लास जो क्वेश्चंस मैं आपसे लेक्चर के दौरान पूछती हूँ या इंटरेक्टिव सेशन में पूछूंगी आइंदा भी, तो वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इफ यू डोंट नो द आंसर टू दोज क्वेश्चंस, वर्क ऑन दोज क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस मैं एग्जाम में भी पूछूंगी। तो अगर आप अभी उनको आंसर नहीं कर पा रहे तो आप एग्जाम में भी पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। ये जो मेरा क्वेश्चन है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ये अब आपका होमवर्क है। आपको इस पे वर्किंग करनी है और हम नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में बात करेंगे। अभी हमने मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी प्लान की हुई है। अगेन, अगर आप में से कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं है उस एक्टिविटी को करने का। वेंटहॉफ्स रूल ऑफ एन, वेंटहॉफ रूल ऑफ एन समझ में आ गया था कि क्या होता है? आइसोमेरिज्म में हमने डिस्कस किया था वेंटहॉफ रूल ऑफ एन। समझ में आ गया है कि कौन सा रूल है? क्लास वेक अप,
ये जो आप लोग के इंटरेक्टिव सेशंस हैं, ये आपके कंट्रीब्यूट करेंगे आपके इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए। और अगर आप इसी तरह से बिहेव कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, मैं पूरी क्लास की जो इंटरनल इवैल्यूएशन है उसमें बहुत नेगेटिव मार्किंग करूंगी। सेशन में कोई यस मैम, रिस्पॉन्ड समझ आ नहीं है गया। रिजान, मुझे लग रहा है क्लास में सिर्फ आप ही मौजूद है, उसके अलावा कोई और मौजूद नहीं है। एनीवेज, वेंट ऑफ रूल ऑफ एन के हवाले से एक एक्टिविटी है। उस वेंट ऑफ रूल ऑफ एन एक्चुअली है क्या? सबसे पहले तो मुझे एक एक रिमाइंडर हम कर लेते हैं कि वेंट ऑफ रूल ऑफ एन क्या होता है। हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उसमें आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। अब किसी एक कंपाउंड में कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, तो ये वेंटहॉफ ने इस रूल को सजेस्ट किया था, विच सेज के 2^n इज द नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट आर फॉर्मड इन अ कंपाउंड, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस एन? एन इज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, ठीक है। और एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स क्या हैं? वो कार्बन एटम्स जिनकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट तरह के एटम्स सेटिस्फाई कर रहे हो, राइट। अच्छा, अब इसकी बेसिस पे हम एक कैलकुलेशन करेंगे कि कौन कौन से आइसोमर्स, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं और उसमें कितने कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बुक में कुछ एग्जाम्पल्स हैं एल्डो शुगर की और कीटो शुगर्स की। सो लेट अस लुक ऑन दिस एग्जाम्पल फर्स्ट। डी ग्लिस्ट्रोज, डी ग्लिस्ट्रोज क्या है? एक ट्रायोस है, मींस किसके अंदर 3 कार्बन हैं। आउट ऑफ दीज 3 कार्बन ओनली वन इज एसिमेट्रिक। वाई? क्योंकि यहाँ पे कार्बन की 2 वैलेंसीज जो है वो ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर रहा है ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पे कार्बन की 2 वैलेंसीज हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर नॉट एसिमेट्रिक, ठीक है। सो ओनली द मिडिल वन इज एसिमेट्रिक, इसमें एक ही एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। सो इसके कितने आइसोमर्स फॉर्म हो सकते हैं? यस, फिगर 14.6 को देखिए। ये जो फर्स्ट वाली हमारे पास है डी ग्लिस्ट्रोज या ग्लिसर एल्डिहाइड, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। इसके कितने आइसोमर्स फॉर्म हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेंट ऑफ रूल? सिक्स? वाई? एंड वाई 8 अब्दुल राफे? व्हाट डज वेंट ऑफ रूल ऑफ एन सेज एक्चुअली? इट सेज कि जितने 2^n आर इज द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, ठीक है। और एन क्या है इसके अंदर? एन इज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन अ कंपाउंड। इसके अंदर कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं? ओनली वन। इट मीन्स कि 2^1 होगा। इट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ओनली 2 आइसोमर्स, ठीक है। डी ग्लिसरल एल्डिहाइड के सिर्फ 2 आइसोमर्स होते हैं, डी ग्लिसरल एल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरल एल्डिहाइड। मीन्स कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब राइट साइड पर होगा इट विल बी अ डी ग्लिसरल एल्डिहाइड, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब लेफ्ट साइड पर होगा तो इट विल बी एन एल ग्लिसरल एल्डिहाइड। उसके अलावा इसकी किसी और तरह के आइसोमर्स की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, राइट। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में, अच्छा यहाँ पे पहले हम इसको देख लेते हैं, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन को। ये हमारे पास एक कीटो शुगर है एंड इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। आप मुझे ये बताएं डायहाइड्रोक्सी एसीटोन में कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम है? एंड प्लीज डोंट रिप्लाई इन चैट्स, मुझे माइक ऑन करके प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कीजिए। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन में कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम हैं?
अभी मैंने आपको रिमाइंड कराया था कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स वो कार्बन एटम्स होते हैं जिनकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट एटम सेटिस्फाई कर रहा हो, लाइक इन दिस वन कि इसमें एक कार्बन अटैच है एल्डिहाइड कार्बन, दूसरे पे अल्काइल कार्बन अटैच है, एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन अटैच है. सो दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन एटम. जबकि यहाँ पे ये एसिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसकी दो वैलेंसीज ऑक्सीजन से पूरी हो रही हैं और यहाँ पे इसकी दो वैलेंसीज हाइड्रोजन से पूरी हो रही हैं. सो नाउ लुक एट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और एंड टेल मी कि इसमें आपके पास कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं. मैम कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, राइट? सो इट मींस कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के आइसोमर्स फॉर्म होना पॉसिबल नहीं है, राइट? अच्छा, अब हम डी इरिथ्रोज को देखते हैं. डी इरिथ्रोज में हमारे पास कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम हैं? ठीक है मैम, कितने? 1 है, डी नो, डी लोर देर आर टू एसिमेट्रिक दो कार्बन है। एटम्स इन डी इरिथ्रोज. ठीक है, किस तरह से? फर्स्ट और लास्ट तो हमारे पास नहीं है क्योंकि उन सब में यही एक इश्यू है कि फर्स्ट वाले कार्बन की वैलेंसीज ऑक्सीजन से पूरी हो रही हैं और लास्ट वाले की दो हाइड्रोजन से पूरी हो रही हैं. लुक एट द सेकेंड वन, इसमें एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है. अच्छा, एक तरफ इसके कार्बोनाइल कार्बन है और दूसरी तरफ इसके टू कार्बन चेन है. ठीक है, वी नो दैट कि कार्बन की बॉन्डिंग की वजह से, उसकी एनवायरनमेंट की चेंज होने की वजह से कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन होती है और उसमें कंपाउंड की नेचर टोटली चेंज हो जाती है. यू नो दैट ऑलरेडी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने चीज पढ़ी हुई है कि कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसकी वजह से उसकी नेचर कंप्लीटली चेंज हो जाती है. सो दिस कार्बोनाइल कार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस अल्काइल कार्बन, तो इसलिए आप इसको कंसिडर करेंगे कि ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है. इसी तरह से यहाँ पे आपके पास टू कार्बन चेन है और यहाँ पे आपके पास जस्ट वन अल्काइल कार्बन है, तो इस वजह से अगेन दिस विल बी एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम. सो यू हैव टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन डी रिथ्रोज. हाउ मेनी आइसोमर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस? फोर राइट, ओके. नेक्स्ट लुक एट डी जाइलुलोज. अच्छा, टू यहाँ पे कार्बन्स ओके अगेन आइसोमर्स के, क्योंकि इसके अंदर दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो इसमें आपके पास कितने आइसोमर्स फॉर्म होंगे? फोर फोर. फोर अच्छा, जेल्युलोज जो है वो आपके पास एग्जांपल है फाइव कार्बन शुगर की. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इन्होंने फोर कार्बन कीटो शुगर की एग्जांपल शेयर नहीं की हुई है, लेकिन जो आपकी दूसरी बुक है चैटर्जी, उसमें आपके पास फोर कार्बन शुगर की भी एग्जाम्पल है कीटो शुगर में, विच इज रिथ्रुलोज. ठीक है, तो आपको ये सारी एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए कि कौन सी शुगर जो है वो कीटो शुगर है, कौन सी शुगर एल्डो शुगर है, उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं. तो ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट लुक एट डी राइबोस एंड टेल मी हाउ मेनी एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स आर देयर. थ्री 3. And how many isomers will be formed? नाइन No, 2 raised to power n. It means सिक्स k 2 raised to power 3. सिक्स मैम सिक्स 2 raised to power 3 means 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 8 isomers will be formed. एट एट Okay. अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो हमने प्रीवियसली मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था फ्रक्टोज और ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है. मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बताइएगा कि व्हाई दीज टू आर नॉट एपिमर्स. मैंने आपसे लेक्चर में कहा था कि इस चीज को आपने देखना है कि व्हाई ग्लूकोज इज नॉट एन एपिमर ऑफ फ्रक्टोज. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि एपिमर होते क्या हैं, हम किस तरह के आइसोमर्स को एपिमर कहते हैं. जिनके सेम स्ट्रक्चर्स जिनके सेम स्ट्रक्चर्स हों बट उनके सिर्फ एक कार्बन किसी एटम पे का डिफरेंट कॉन्फिगरेशन डिफरेंट हो. ठीक है,
बिल्कुल अगर सेम स्ट्रक्चर होगा तो वो आइसोमर्स नहीं होंगे, वो सेम कंपाउंड्स होंगे. आइसोमर्स हम ऐसे कंपाउंड होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट देयर इज अ माइनर डिफरेंस इन स्ट्रक्चर. गिव मी अ मोमेंट प्लीज. सॉरी. सो एपिमर्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें आपके पास पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, जस्ट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओरिएंटेशन ऑन एनी वन ऑफ द एटम. ठीक है. सो हमने बात की थी कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज, दीज थ्री आर एपिमर्स. ठीक है. मैनोज ग्लूकोज का कैसा एपिमर है आप इसको देखें. फर्स्ट कार्बन की ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम है. सेकेंड कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक में राइट साइड पर है और मैनोज में लेफ्ट साइड पर है. ठीक है. थर्ड कार्बन एटम की ओरिएंटेशन भी सेम है. फोर कार्बन एटम की ओरिएंटेशन भी सेम है. फाइव और सिक्स की भी सेम है. सो ग्लूकोज एंड मैनोज आर सी टू एपिमर्स. ठीक है. इसी तरह से गैलेक्टोज में आपके पास फर्स्ट पे भी सेम है, सेकेंड पे भी सेम है, थर्ड पे भी सेम है, फोर्थ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ओरिएंटेशन डिफरेंट है एंड अगेन फाइव और सिक्स पे सेम है. तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज कैसे एपिमर्स हैं? सी फोर एपिमर्स हैं क्योंकि इनके फोर्थ कार्बन एटम पे डिफरेंस है. ठीक है. अच्छा अगर आप गैलेक्टोज और मैनोज को देखें, आर दीज टू एपिमर्स? क्या गैलेक्टोज और मैनोज एक दूसरे के एपिमर हैं? क्लास, गैलेक्टोज और मैनोज एक दूसरे के एपिमर्स हैं या नहीं है? गिव मी एन आंसर. नो मैम. नो मैम. व्हाई? कौन कौन से कार्बन एटम पे डिफरेंस है इनके? मैम बिकॉज गैलेक्टोज एपिमराइज हो रहा है फोर्थ कार्बन पे एंड मैनोज सेकंड कार्बन पे. देखें एपिमर हम जो बात करते हैं, हम किसी दो कंपाउंड को आपस में कंपेयर करते हैं तब हम कहते हैं कि वो एपिमर्स हैं एक दूसरे के. ठीक है. तो अगर हम ग्लूकोज और मैनोज को देख रहे होंगे तब ग्लूकोज C2 पे एपिमराइज हो रहा है. ठीक है. लेकिन अगर हम मैनोज को किसी और कंपाउंड से कंपेयर कर रहे हैं लाइक गैलेक्टोज से, तो इस वक्त हम इसको एपिमर कंसिडर नहीं कर रहे हैं. हम इसके इंडिविजुअली इसके कार्बन की ओरिएंटेशन देखेंगे. फर्स्ट कार्बन एटम इन दोनों का सेम है. ठीक है. सेकेंड कार्बन एटम पे ओरिएंटेशन डिफरेंट है. थर्ड पे अगेन सेम है. फोर्थ पे अगेन डिफरेंट है बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओरिएंटेशन ऑन कार्बन नंबर टू एंड कार्बन नंबर फोर. एपिमराइजेशन में सिर्फ एक कार्बन एटम पे ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओरिएंटेशन ऑन टू कार्बन एटम्स. दैट इज व्हाई गैलेक्टोज एंड मैनोज आर नॉट एपिमर्स. ठीक है. जस्ट लाइक दैट ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हमने कंपेयर करने की बात की थी, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कार्बन वन एंड कार्बन टू दोनों पे ओरिएंटेशन का डिफरेंस है. दैट इज व्हाई दीज आर नॉट एपिमर्स. ठीक है. समझ में आ रही है बात यहाँ तक? ओके मैम. ओके. नाउ हम रिंग स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं ग्लूकोज के. अच्छा जी. साइक्लिक, जब ग्लूकोज रिंग फॉर्मेशन करता है तो ये रिंग फॉर्मेशन बेसिकली होती किस वजह से? व्हाई ग्लूकोज बिकम साइक्लाइज्ड इन स्ट्रक्चर?
यस, ग्लूकोज में साइक्लाइजेशन किस वजह से होती है? ग्लूकोज में आपके पास दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, एल्डिहाइड एंड अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है? दोनों एल्डिहाइड और अल्कोहलिक ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से दोनों में टेंडेंसी है कि वो आपस में रिएक्ट करते हैं। अगर रिएक्टिंग फंक्शनल ग्रुप किसी एक ही कंपाउंड पर प्रेजेंट हो तो वो आपस में रिएक्ट करके एक साइकिल की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, एक रिंग की फॉर्म में आ जाते हैं। सो ग्लूकोज में आपके पास कार्बोनाइल कार्बन में और अल्कोहल में रिएक्शन की वजह से साइक्लाइजेशन हो रही है, राइट? अच्छा, अब कार्बोनाइल कार्बन जो है वो ग्लूकोज में है कार्बन नंबर 1 पे, तो जो रिंग फॉर्मेशन होती है वो होती है कार्बन 1 और C5 के बीच में, ठीक है? जो भी कार्बन एटम टर्मिनल कार्बन एटम से अटैच्ड होगा उसी के अंदर रिंग फॉर्मेशन होगी, ठीक है? अच्छा, अब जब हमारे पास रिंग फॉर्म होता है तो उसमें कितने मेंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ग्लूकोज में जो आपके पास रिंग फॉर्म हो रहा है क्योंकि उसमें 6 मेंबर्स हैं, तो 6 मेंबर रिंग को हम कहते हैं पाइरानोज स्ट्रक्चर। जब ग्लूकोज अच्छा यहाँ पे इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है एल्डिहाइड्रो डी ग्लूकोज, यहाँ पे जो ग्लूकोज जब ओपन रिंग स्ट्रक्चर में होगा यू विल कॉल इट ग्लूकोज, और ग्लूकोज जब क्लोज रिंग स्ट्रक्चर में होगा यू विल कॉल इट अ ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है? यानी कि ग्लूकोज की वजह से एक रिंग स्ट्रक्चर में 6 मेंबर रिंग बन गया, ठीक है? अच्छा, अब अगर फ्रक्टोज का आप रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो फ्रक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर में कितने मेंबर्स होंगे? 5। Why 5? Because कार्बोनाइल कार्बन इज ऑन सेकेंड कार्बन एटम, ठीक है? कार्बन एटम सेकेंड कार्बन एटम पर है और वो अगेन अपना बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? जो टर्मिनल कार्बन एटम से पहले वाला कार्बन है, तो देयर विल बी अ बॉन्ड बिटवीन C2 एंड C5। तो ये कार्बन जो एक आपके पास फर्स्ट कार्बन है वो भी आपके पास रिंग से बाहर हो जाएगा, दैट विल लीड टू अ 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग को हम क्या कहते हैं? 6 मेंबर क्यूरानोज, ठीक है? 5 मेंबर रिंग इज कॉल्ड फ्यूरानोज या फ्रक्टोफ्यूरानोज, आप इसको फ्रक्टोज के रिंग को कह सकते हैं, ठीक है? सो ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, आपके पास 4 बेसिक मोनोसेक्राइड्स हैं, इनकी ओरिएंटेशन में जो जो डिफरेंसेस हैं उस पर आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। ऑल दीज कैन बी पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट वी हैव, मैंने आपको एक हैंड आउट में कुछ चीजें रीड करने के लिए दी थी, आप लोगों ने वो रीड कर ली है? उसको रीड कीजिए क्योंकि अगेन साथ साथ एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये आपको आसानी होगी। बायोकेमिस्ट्री का कोर्स कंटेंट काफी ज्यादा है तो अगर आप साथ साथ चीजों को लेके नहीं चलेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। सो जब मैं आपको किसी लेक्चर में कोई चीज रीड करने के लिए देती हूँ, मेक श्योर कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने वो रीड की हुई हो, क्योंकि मैं ये अज्यूम करती हूँ कि मैंने आपको कहा है तो आपने उसको रीड कर लिया होगा, ठीक है? अच्छा, म्यूटा रोटेशन समझ में आ गई है कि म्यूटा रोटेशन क्या होती है? रिपीट कर दे मैम। ओके, अच्छा, म्यूटा रोटेशन में आपके पास क्या होता है? म्यूटा रोटेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपके पास ग्लूकोज की आइसोमराइजेशन होती है। ग्लूकोज आपके पास दो तरह की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जब साइकिल फॉर्म में होगा तो आपके पास अल्फा ग्लूकोज भी हो सकता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग के सेम साइड पर भी हो सकता है, और आपके पास बीटा ग्लूकोज भी हो सकता है, मींस कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग के ऑपोजिट साइड पर हो, ठीक है? अच्छा,
अब आपके पास अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज दोनों की ऑप्टिकल रोटेशन भी डिफरेंट होती है. ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है कि जब आप ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व करेंगे और उसके सॉल्यूशन में से लाइट को पास करेंगे तो वो लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी. लाइट की डायरेक्शन अगर राइट साइड पर होगी इट विल बी डेक्सटर रोटेटरी, और अगर वो लेफ्ट साइड पर होगी तो वो लीवो रोटेटरी होगी. ठीक है. अच्छा, अब डेक्सटर रोटेटरी तो होते हैं ग्लूकोज के कंपाउंड्स, लेकिन उनका एंगल ऑफ रोटेशन डिफरेंट होता है. एवरी आइसोमर हैज अ डिफरेंट एंगल ऑफ रोटेशन. तो जब आप साइंटिस्ट ने ये चीज ऑब्जर्व की कि ग्लूकोज का जब सॉल्यूशन हम बनाते हैं उस वक्त उसकी ऑप्टिकल रोटेशन कुछ और होती है, और आफ्टर सम टाइम्स उसकी ऑप्टिकल रोटेशन कम्प्लीटली चेंज हो जाती है. आफ्टर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स इट वॉज ऑब्जर्व कि चेंज होने के बाद जो एक फिक्स्ड उसकी ऑप्टिकल रोटेशन आती है विच इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम ऑप्टिकल रोटेशन, वो फिक्स्ड है इन केस ऑफ ग्लूकोज 52.5 आ रही है. तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने पर ये चीज पता चली कि जब हम ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसका रिंग टेम्परेली ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है, जब रिंग टेम्परेली ब्रेक डाउन हो जाता है बट दैट ओपन रिंग स्ट्रक्चर इज वेरी अनस्टेबल, और आपको पता है कि कंपाउंड्स की टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबिलिटी को सीक करते हैं. ठीक है, तो जब ओपन रिंग स्ट्रक्चर आपके पास आता है और वो दोबारा से रिंग फॉर्म करता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो अल्फा या बीटा दोनों में से कोई भी रिंग फॉर्म कर सकता है. अगर आप अल्फा ग्लूकोज को डिसॉल्व करें, अल्फा ग्लूकोज की आपके पास रोटेशन है 112 डिग्री, और वो जब ओपन होगा और वो अल्फा ग्लूकोज भी फॉर्म करेगा और बीटा ग्लूकोज भी फॉर्म करेगा, और आपके पास इवेंचुअली सॉल्यूशन में अप्रोक्सीमेटली 2/3 जो है वो बीटा फॉर्म होगी और 1/3 आपके पास उसमें अल्फा फॉर्म होगी. ठीक है, इसी तरह से अगर आप बीटा ग्लूकोज को डिसॉल्व करें इनिशियली आपके सॉल्यूशन की ऑप्टिकल रोटेशन आएगी 19 डिग्री विच विल इंक्रीज टू 52.5 बिकॉज जब आप उसको डिसॉल्व करेंगे तो वो रिंग ओपन हो जाएगा और उसके बाद उसमें से अल्फा ग्लूकोज भी बनेंगे, तो अल्फा ग्लूकोज की ऑप्टिकल रोटेशन 112 होती है, तो वो इक्विलिब्रियम में आके जो एक फिक्स ऑप्टिकल रोटेशन देंगे दैट विल बी 52.5. ठीक है, इज दैट क्लियर नाउ? नेक्स्ट इंटरेक्टिव सेशन में मुझे आपकी क्लास को इतना जगाना ना पड़े. सबसे पहली चीज अभी आप इस वक्त ये कीजिए कि जो चैट है उसमें अपने नाम और रोल नंबर जो है वो टेक्स्ट कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि किन किन लोगों ने आज क्लास अटेंड की है. चैट में अपना नाम और रोल नंबर प्लीज सेंड कर दें इसी जूम की चैट में. And make sure कि ये जो पेज नंबर 26-28 मैंने आपको रीड करने के लिए कहा था आप उसको रीड करें, और सारी जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनकी बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम मोनोसेक्राइड्स के रिएक्शंस डिस्कस करेंगे. आप लोगों ने लैब में ओसाजोन फॉर्मेशन कवर कर लिए? लैब्स हुई थी ना आप लोगों की लॉकडाउन होने से पहले? यस मैम की थी. आपकी लैब के टीचर का नाम क्या है? क्लास आपकी लैब कौन ले रहा है बायोकेमिस्ट्री की? मैम मदिया. मैम मदिया अहमद. आपने उसमें ओसाजोन फॉर्मेशन की है, परफॉर्म किया है ओसाजोन का प्रैक्टिकल? यस मैम किया था. ओसाजोन के बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट करना आता है कि किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं ओसाजोन्स को, उसको थोड़ा सा देखकर आइएगा जब हम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे. एंड आई विल बी आस्किंग यू कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंट ओसाजोन फॉर्म्ड फॉर डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स. ठीक है, स्पेशली इस बात पे फोकस कीजिएगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ना तो एपिमर्स हैं ना वो फंक्शनल ग्रुप उनका सेम है, उसके बावजूद व्हाई डू दे फॉर्म सेम टाइप ऑफ ओसाजोन.
दोनों का सेम ओसाजोन क्यों बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का? ठीक है ओके. जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ उसको अपने पास नोट डाउन किया कीजिए और उस पर थोड़ी सी वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. ओके सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लें, अदरवाइज आई विल एंड द सेशन. एनी क्वेश्चंस? सब ने अपने अटेंडेंस मार्क कर लिए? यस मैम. ओके थैंक यू क्लास. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.